तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम के चेहरे पर मंथन के बीच उत्तराखंड के सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, अजय टम्टा शामिल रहे। इसके साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। बलूनी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत के लिए पीएम का आभार है। तो चलिए अब रुक करते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके की हलचल है, देहरादून में उसका कनेक्शन है, किस तरीके की हलचल देहरादून में देखी जा रही है। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कितनी हलचल है देहरादून में इस वक्त, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लौट आए हैं, सांसदों से भी मुलाकात हुई है, आगे की भी प्लानिंग का पता चल रहा होगा पंकज। बिल्कुल स्नेहा, देखिए दिल्ली में जो बैठकों का दौर था वो खत्म हो गया है और अब उत्तराखंड के तमाम जो नेताओं की नज़रें हैं वो दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले अगर हम मतगणना के बाद से बात करें तो लगातार ये चर्चाएं हैं, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में आखिरकार जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, क्योंकि पार्टी स्तर से अभी तक इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की दौड़ उत्तराखंड के तमाम विधायकों की हुई थी, उससे माना जा रहा था कि पार्टी नेतृत्व सभी विधायकों से राय मशवरा करके, पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से राय मशवरा करके एक नाम पर सहमति बना लेगा, लेकिन अभी तक भी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी जो ये मुख्यमंत्री पद को लेकर जो चर्चाएं हैं ये थोड़ी और चलने वाली है। 17 और 18 तारीख को ऐसे ही चर्चाओं का दौर रहेगा, क्योंकि बीच में देखिए होली भी पड़ गई है और होली की वजह से जो दिल्ली में तमाम डटे हुए विधायक थे वो उनको दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं, वो देहरादून पहुँच गए हैं, अपने अपने जो गृह क्षेत्र है उनके वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी दो दिन हमें और इंतजार करना होगा, 17 और 18 तारीख का इंतजार करना होगा। 19 तारीख को पर्यवेक्षक देहरादून आएंगे और यहाँ पर फिर से दोबारा से वो तमाम जो विधायक हैं उनसे फीडबैक लेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि तकरीबन 20 के करीब विधायक दिल्ली गए थे, उनकी अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई है। लेकिन इसके अलावा जो ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं या जो दिल्ली नहीं गए हैं, उनका फीडबैक अभी लेना बाकी है। तो 19 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, उसमें दो पर्यवेक्षक दल आएंगे, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो उनसे फीडबैक लेंगे और ये भी माना जा रहा है कि वन टू वन गैदरिंग भी उनकी हो सकती है, एक एक करके भी बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली की दौड़ यहाँ खत्म हुई है, होली का एक हॉल्ट है, लेकिन उसके बाद देहरादून में ही सारी हलचल देखी जाएगी, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं आने वाले वक्त के लिए। पंकज शुक्रिया तमाम जानकारी के।